आइए आज स्टडी करेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। हालांकि द्रव्य के छोटे अविभाज्य कणों जिन्हें एटम्स अर्थात अविभाज्य कहा जाता था, अविभाज्य मतलब जो विभाजित यानी टुकड़ों में तोड़े ना जा सके, द्वारा बने होने के विचार की उत्पत्ति ग्रीक दार्शनिक डिमेक्रिट्स के समय हुई, परंतु कई प्रायोगिक अध्ययनों जिन्होंने उपरोक्त नियमों को जन्म दिया के फलस्वरूप इस पर फिर से विचार किया जाने लगा। तो परमाणु को पहले अविभाज्य माना जाता था, तो वही कहा जा रहा है कि हालांकि द्रव्य के छोटे अविभाज्य कणों जिन्हें एटम्स यानी परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा जाता था, द्वारा बने होने के विचार की उत्पत्ति ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेट्स के समय हुई, परंतु कई प्रायोगिक अध्ययनों जिन्होंने उपरोक्त नियमों को जन्म दिया के फलस्वरूप इस पर फिर से विचार किया जाने लगा। तो मतलब फिर से इसमें विचार हुआ और आगे क्या निकल करके सामने आया। सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिजियोस फिलॉसफी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तावित किए। सबसे पहला क्या, द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, यानी जो हमारा मैटर है वो नॉन डिवाइडेड एटम्स से बना होता है जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। अगर कोई हम तत्व यानी एलिमेंट ले लें तो उसके जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास सेम होंगे और उनके कैरेक्टर यानी गुणधर्म भी सेम होंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। अगर अलग अलग एलिमेंट की बात करें तो उनका मास अलग अलग होगा। अब देखिए, एक से अधिक तत्वों के परमाणु परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। अभी हम पीछे पढ़ चुके थे कि जब तत्व मिल जाते हैं आपस में तत्व के परमाणु, तो वो यौगिक यानी कंपाउंड बना लेते हैं। तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। सब कुछ पीछे जो था उसी को एक तरह से सारणीबद्ध यानी सारांश के रूप में डाल्टन ने प्रस्तुत कर दिया। तो इन्होंने ये कहा कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो एटम होते हैं वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी नए तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ना एटम डिस्ट्रॉय होता है और ना उसका जनरेशन होता है। डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। पीछे जो हम लोग केमिकल कंपोजिशन के जो नियम पढ़े उनकी व्याख्या इस पूरे सिस्टम से की जा सकती है। हाँ, देखिए फिर से क्या कहा गया कि डाल्टन के सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी, यद्यपि इससे गैसीय आयतनों के यानी नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस पूरे को आपको हाईलाइट अंडरलाइन करना है। तो यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लीजिए और पीछे हम लोग यहां से हाईलाइट करेंगे।
तो ये पूरा हाईलाइट होगा। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटम मींस परमाणु, मॉलिक्यूल मींस अणु। तो परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। परमाणुओं और अणुओं से परिचित होने के पश्चात अब यह समझना उचित होगा कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान से हम क्या समझते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। आज सही सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति हमारे पास उपलब्ध हैं। परंतु जैसा पहले बताया गया है, 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। तो इसको हाईलाइट करना है। ये यहां तक कि परमाणु का अगर द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास ये टेक्निक है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास फेयरली एक्यूरेटली। मतलब पूरी तरह से अच्छे से अगर हमें मास ज्ञात करना है एटम का, तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक अच्छा बेहतर तरीका है। परंतु जैसा पहले बताया गया है, 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का होने के कारण स्वेच्छ रूप से एक द्रव्यमान बिना किसी मात्रा के दिया गया और बाकी सभी तत्वों के द्रव्यमानों परमाणुओं के द्रव्यमान उसके सापेक्ष दिए गए। परंतु परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक पर आधारित है। इसे सन 1961 में स्वीकृत किया गया। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक मान लिया जाता था और उसी से तुलना करके दूसरे के द्रव्यमान को बताया जाता था। परंतु वर्तमान समय में कार्बन 12 पर आधारित है जितने भी द्रव्यमान हैं, और इसमें कार्बन के 12वां जो समस्थानिक है C12 उसके आधार पर है, जिसे C12 से निरूपित किया जाता है। इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में एटॉमिक का ए, मास का एम, यूनिट का यू लेकर के AMU कहा जाता है। बाकी सभी तत्वों के द्रव्यमानों परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसके सापेक्ष दिए जाते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, और 1 AMU = 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। अगर हाइड्रोजन का देखें तो 1.6736 × 10⁻²⁴ ग्राम। अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अगर निकालना होगा तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन के 1/12 भाग, कार्बन परमाणु के C12 परमाणु के 1/12 भाग का जो द्रव्यमान है उससे भाग दे देंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0078 यूनिट, यानी 1.0080 यूनिट। इसी प्रकार ऑक्सीजन 16 परमाणु का द्रव्यमान 15.995 MU होगा। ऐसे ही निकाला जाएगा तो ऑक्सीजन ओ 16 का परमाणु द्रव्यमान ये आ जाएगा। आजकल MU के स्थान पर U का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान दीजिए कि जो U है यूनिट, ये हमारा जो है MU है, इसे एकीकृत द्रव्यमान यानी यूनिफाइड मास कहा जाता है। एकीकृत किया गया मतलब यूनिफाइड मतलब जैसे इसमें इसका भाग दे दिया गया तो एक भाग से, जैसे C 12 है तो पूरा 12 हुआ, 1/12 किया गया तो 12 का एक भाग, इसीलिए एक का मतलब यूनिट, तो यूनिफाइड मास कहा जाता है। जब हम गणनाओं के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में हम औसत परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम गणनाओं की बात करते हैं तो अगर किसी चीज का द्रव्यमान कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसका औसत द्रव्यमान। अब देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारी। समस्थानिक मतलब इंग्लिश में आइसोटोप और संभारी मतलब इंग्लिश में आइसोबार। तो समस्थानिक का मतलब होता है जिनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है, और संभारी का मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। तो प्रकृति में अनेक तत्व तो एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। जब हम इन समस्थानिकों यानी आइसोटोप की उपस्थिति और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता यानी प्रतिशत उपलब्धता को ध्यान में रखते हैं तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं जिनकी आपेक्षिक बाहुल्यताएं और द्रव्यमान इस सारणी में उनके सामने दर्शाए गए हैं। जैसे समस्थानिक C 12 है तो आपेक्षिक बाहुल्यता कितने प्रतिशत मतलब प्रकृति में पाया जाता है तो 98.892%, और इसका यूनिट क्या है यानी AMU में क्या है द्रव्यमान 12। इसी प्रकार C 13 को अगर देखा जाए तो 1.008% इसकी प्रकृति में उपलब्धता है, और इसका AMU में द्रव्यमान कितना है 13.00355. C 14 को देखा जाए तो इसका कितना प्रतिशत है प्रकृति में 2×10⁻¹⁰ यानी बहुत ही कम, 2 के इधर 10 जीरो फिर दशमलव, और ये इसका AMU में द्रव्यमान कितना है 14.00317। ऊपर दिए गए आंकड़ों से कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार प्राप्त होगा। अब अगर इसका औसत द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे। तो देखिए कार्बन का यूनिट 12 है, ये यूनिट का इसका और इसका, तो 0.998892 ये चूंकि परसेंटेज है तो इसमें देखते हैं कि चूंकि ये परसेंटेज है यानी 100 में प्रतिशत, तो 100 का भाग देंगे प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, तो 98.892×12/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब अपान 100 होगा तो 100 को हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका गुणा करके जब अपान 100 करेंगे तो इसका दशमलव खिसक के 2 अंक इधर आ जाएगा तो यहाँ आ गया। इसी प्रकार जब इसमें करेंगे तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे, इसका गुणा किसमें कर दिए 100 करेंगे तो ये 100 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा तो ये 10^-12 हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए,
देखिए इंग्लिश वाली बुक में सही है, 10^-12 हो गया है, इसमें 10 लिखा है गलत है, 12 होना चाहिए। तो ये पूरा जब हम लोग जोड़ देंगे इसका कैलकुलेशन करके तो 12.011 यूनिट आ जाएगा। इसी प्रकार अन्य तत्वों के लिए भी औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किए जा सकते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के लिए दिए गए परमाणु द्रव्यमान उन तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। इसी प्रकार पीरियाडिक टेबल में जो हमने दिया है, दिए गए हैं हमको, वो सब भी एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। अब आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। अब जाहिर सी बात है कि जो एटम है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर के बना है, एटम मतलब परमाणु। तो जो अणु है जितने परमाणु हैं उनके द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो अणु का द्रव्यमान आ जाएगा, यानी जितने एटम्स हैं उनका मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल का मास। तो वही कह रहा है कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणन फलनों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जितनी संख्या है और जो मास है उनका गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए मीथेन, जिसमें एक कार्बन, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, तो मीथेन में कार्बन एक हो जाएगा, हाइड्रोजन चार। तो जिसमें मीथेन जिसमें एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं का आणविक द्रव्यमान इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो मीथेन CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12.01 यूनिट होता है, प्लस अब हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन के चार हैं तो चार का गुणा कर दिया गया और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 यूनिट होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इनको जोड़ा गया तो आ गया 16.043 यूनिट, ये CH4 का आणविक यानी मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसी प्रकार जल H2O का आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, H2O में हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणे 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 1 गुणे ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान, तो 2 गुणे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1.008 यूनिट होता है, प्लस 1 ऑक्सीजन 1 गुणे 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 यूनिट होता है। तो जोड़ दिया गया तो 18.02 यूनिट आ गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, अणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो देखिए ग्लूकोज में C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान, तो 6 गुणे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान तो 12.011 यूनिट होता है, प्लस हाइड्रोजन 12 है तो 12 गुणे 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 यूनिट होता है, प्लस ऑक्सीजन 6 है तो 6 गुणे 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16.00 यूनिट होता है। इन सब को जोड़ देंगे तो अब देखिए इसमें 12 का गुणा किया तो 12.72066 ये आ गया, इसमें 12 में इतने गुणा किया तो ये आ गया, इसमें इतने गुणा किया तो ये आ गया, सबको जोड़ दिया तो 180.62 यूनिट आ गया। अब देखते हैं द्रव्यमान सूत्र, सूत्र द्रव्यमान यानी फार्मूला मास, सूत्र का द्रव्यमान कितना है, फार्मूले का मास कितना है। कुछ पदार्थों जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते। कुछ पदार्थों जैसे सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते। तो देखिए इंग्लिश में लिखा है सम सब्सटेंस यानी कुछ पदार्थ हैं सच एज सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल
मतलब किसी प्रकार का डिस्क्रीट मतलब अलग से मॉलिक्यूल नहीं कंटेन होता है, एज दियर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, जैसे उसकी घटक इकाई होती है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है। ऐसे यौगिकों में धनात्मक सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन क्रम त्रिविमीय संरचना चित्र 1.10 के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। मतलब अलग अलग कोई परमाणु का वो नहीं रहता है घटक इकाई उसकी, बल्कि Na प्लस और सोडियम Cl माइनस के रूप में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जैसा चित्र में नीचे दिखाया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। तो एक सोडियम आयन Na बीच में रहेगा और क्लोराइड के 6 अणु उसको घेरे रहेंगे, 6 परमाणु यानी आयन Na प्लस अंदर रहेगा और 6 क्लोराइड आयन बाहर रहेंगे, और एक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है, और एक क्लोराइड भी जाहिर सी बात है बीच में सोडियम है Na प्लस आयन और बाहर 6 Cl माइनस आयन है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम बनेगा कि Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो Cl भी 6 सोडियम आयनों से घिरा रहेगा। अब देखिए फिगर बनाया गया है सोडियम क्लोराइड में Na प्लस और Cl माइनस आयनों की व्यवस्था। तो इस तरह से देखिए दिखाया गया है, जैसे मान लीजिए ये जो नीले कलर का दिखाया गया Na हो, तो ये सोडियम क्लोराइड 1, 2, 3, 4 और दो उधर वाले हमको नहीं दिख रहे हैं। इसी प्रकार सब व्यवस्थित है लेकिन उधर वाला नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग गुब्बारा ले लें छोटे छोटे अलग अलग कलर के, दो कलर के, और इस तरह के सजा के रखें या गेंद ले लें, तो हमें और अच्छे से पता चलेगा। फिलहाल हमें इतना ध्यान देना है कि Na प्लस 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है और इसी प्रकार क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है। इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान प्रकलित करने में किया जाता है, ना कि आणविक द्रव्यमान के प्रकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते, अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान बराबर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान प्रकलित करने के लिए किया जाता है, ना कि आणविक द्रव्यमान। तो NaCl का प्रयोग जो है सूत्र द्रव्यमान प्रकलित करने के लिए किया जाता है, फार्मूला मास, ना कि आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते, आइटम मॉलिक्यूल होते ही नहीं, उसमें आयन होते हैं, अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। तो सोडियम को होता है 23.0 यूनिट प्लस 35.5 यूनिट बराबर 58.5 यूनिट। अब मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास, परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण के एक मात्रक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए एक दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए एक स्कोर समंक और 144 वस्तुओं के लिए एक ग्रॉस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणु, अणुओं, कणों, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसआई मात्रकों में मोल संकेत MOL को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए साध आधार राशियों में सम्मिलित किया गया था।
पीछे हम पढ़ चुके हैं। मोल जिसका संकेत मोल है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। एक मोल में ठीक 6.02214076 × 10²³ ही मूलभूत कण होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसआई मात्रक होता है और एक मोल में चाहे जिस चीज का मोल लिया जाए, चाहे एन ए हो, चाहे सीएल हो, चाहे कोई भी हो, सब के मोल में 6.02214076 × 10²³ ही मूल का भूत कण होते हैं। यह संख्या अवगाद्र स्थिरांक यानी का नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे पर मोल मात्रक में व्यक्त किया जाता है और इसे अवगाद्र संख्या कहा जाता है। तो ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान देना। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा संकेत यानी विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होती है। यह मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। देखिए पीछे भी पढ़ चुके हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम फिर से हाईलाइट कर रहे हैं। यानी ये अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सब में संख्या यही रहेगी। यहां पर ध्यान देने की बात है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वो पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, भले ही वो कोई भी पदार्थ। इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.992648 × 10²³ ग्राम प्राप्त हुआ। कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार होगी। इसको ध्यान देना है कि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः एक मोल में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार होगी। तो देखिए चूंकि कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, अतः कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार होगी। अब देखते हैं इसको, तो अगर एक मोल में हमको निकालना है तो देखिए यहां पर जो है कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है और कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मेट्री द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.992648 × 10²³ ग्राम प्राप्त हुआ। तो जाहिर सी बात है कि एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम बटे कार्बन 12 का अगर द्रव्यमान से भाग दे दें तो हमारा मोल में द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6.02213 × 10²³ परमाणु प्रति मोल, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान इतना हो जाएगा, इतने परमाणु होंगे प्रति मोल में, संख्या आ गई। वैसे भी निकाल सकते हैं 12 ग्राम में इतने हैं तो एक में 12 बटे इतना हो जाएगा। एक मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया, जिसे आमीदीय अवगाद्रो के नाम से अवगाद्रो स्थिरांक अथवा अवगाद्रो संख्या कहते हैं और यानी से व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मोल में कणों की संख्या जितनी होती है उसको यानी या अवगाद्रो नंबर या अवगाद्रो कांस्टेंट या स्थिरांक कहा जाता है। इस संख्या के बड़े परिमाण को अनुभव करने के लिए इसे 10^10 का प्रयोग किए बिना आने वाले सभी शून्यों के साथ इस प्रकार लिखें 6022136700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 
अतः किसी पदार्थ के एक मोल में दी गई पूर्वोक्त संख्या के बराबर कण परमाणु अणु या कोई अन्य कण होंगे। अतः हम यह कह सकते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन परमाणु
6.022 × 10²³ हाइड्रोजन परमाणु, या एक मोल जल अणु तो इतना ही होगा 6.022 × 10²³ जल अणु, या एक मोल सोडियम क्लोराइड बराबर सोडियम क्लोराइड के 6.022 × 10²³ सूत्र इकाइयां। तो चाहे जो भी हो, अगर एक मोल है तो संख्या बराबर ही होगी, जैसा हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी हो। चित्र 1.11 में विभिन्न पदार्थों के एक मोल को दर्शाया गया है। ये चित्र में एक एक मोल दिखाया गया, विभिन्न पदार्थों का एक मोल। मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ या उसके घटकों के एक मोल के, घटक मीन्स कंपोनेंट के, एक मोल के द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई पदार्थ है उसके एक मोल को ग्राम में व्यक्त किया जाए, तो चूंकि मोल का द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए इसको मोलर द्रव्यमान यानी इंग्लिश में मोलर मास कहेंगे। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। कुछ भी हो सकता है, किसी परमाणु का द्रव्यमान हो सकता है, अणु का द्रव्यमान हो सकता है, सूत्र का द्रव्यमान हो सकता है। अतः जल का मोलर द्रव्यमान, जल H2O है तो जल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 18.02 ग्राम पर मोल, या परमाणु भार जो होगा उसी के बराबर। सोडियम क्लोराइड का, इसके सोडियम यानी प्लस और Cl माइनस के यानी और Cl के जो द्रव्यमान होंगे परमाणु द्रव्यमान उसी के बराबर हो जाएगा, जोड़ने पे तैयार जाएगा। यानी का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो जोड़ेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब अगली हेडिंग है हमारे पास प्रतिशत संघटन। अब इसका अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे।